ओके, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में, जी हाँ बच्चों, आज की इस एक ही वीडियो में आपकी जो सेकेंड वाली किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, इस किताब से पिछले 10 साल के पेपरों में, जी हाँ बच्चों, प्रीवियस लास्ट 10 ईयर के एग्जाम्स में आपकी दूसरी वाली किताब से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप यानी कि मानचित्र ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं, उनमें से हमने आपके मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उससे संबंधित जो भी मैप पिछले 10 साल के पेपर में पूछा जा चुका है उन मैप को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिसके आने वाले आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 1 के हर एक इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, आ जाइए शुरुआत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये हमारी आईडी है। साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स, अपडेट और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं GSK 12 क्लास, ठीक है, या फिर आपको टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो क्या आप तैयार हैं बच्चों आज के अपने इंडिया के मैप को समझने के लिए? तो आ जाइए शुरुआत करें। देखिए हम क्या करेंगे, आपके हर एक राज्य से, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है 5-7 राज्य बेसिकली इंपॉर्टेंट, हर एक राज्य से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी जो विशेषता वो निकल सकती है, जितना भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब कुछ तरीके अपनाते हुए यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, ताकि इंडिया का जो मैप है आपके पहले वाले चैप्टर का, ये आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और साथ ही आपकी जो सेकेंड वाली बुक है उससे भी मैं आपको तकरीबन 2 से 3 मैप इंडिया के वो भी आप इसी वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए पहली यहाँ पे विशेषता क्या कही गई है कि ये एक ऐसा राज्य है जो 1952 में बना था। दूसरी विशेषता, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य था। तीसरी विशेषता, ये स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पे बना सबसे पहला राज्य था। और चौथी विशेषता क्या है कि यह राज्य पोटी श्री रामुलु से संबंधित राज्य था, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, हम बात करें बच्चों आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और आंध्र प्रदेश कहाँ है बच्चों, ये जो जगह है आपकी ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पहले राज्य की विशेषता क्या है, ये 3 विशेषताएं बच्चों आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए दूसरी आ जाती है, यहाँ के जो शासक थे इनको निजाम बोला जाता था, इनका जो एक अर्धसैनिक बल था इनको रजाकार बोला जाता था। 1948 में भारतीय सेना के द्वारा जबरदस्ती इसका जो विलय है वो किसमें किया गया था, भारत में। अभी किसकी विशेषता है बच्चों, निजाम। निजाम कहाँ के शासक थे, निजाम थे बच्चों हैदराबाद के, ठीक है। अभी के टाइम पे आप कहोगे कि सर जी हैदराबाद तो भी है ही नहीं, बेसिकली देखो हैदराबाद की जहां तक बात रही है तो पुराने हैदराबाद के 3 हिस्से थे, ठीक है, कौन कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि आज का जो ये वर्तमान का कर्नाटक है, ये जो महाराष्ट्र है और ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, ये पहले किसके हिस्से थे, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों पुराने हैदराबाद के हिस्से थे, ठीक है ना। तो आपसे पेपर में बेसिकली पुराने हैदराबाद का हिस्सा ही पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि इस राज्य का जो संबंध है वो महाराजा बोध चंद्र सिंह से संबंधित है, ठीक है। भारत का ये पहला ऐसा राज्य था जहां पे सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करके जून 1948 में चुनाव हुए थे। ये कौन सा है बच्चों, ये है मणिपुर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर ये अरुणाचल आ जाता है, ठीक है, ऐसे दूसरा आ जाता है, यहाँ पर ये जो है ना एम वाला ये आपका मणिपुर, ठीक है। इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है जिसमें एम बना दिया मैंने, ये है आपका मणिपुर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में अगले मैप को देखते हैं, अगले मैप ये है कि भारत के विभाजन के दौरान सबसे अधिक त्रासदी वाला राज्य कौन सा। तो सबसे अधिक त्रासदी बेसिकली दो तो भारत में है, एक पाकिस्तान में रही है, कौन कौन सी, पहली है लाहौर, और लाहौर कहाँ पे बच्चों, पाकिस्तान का ये जो वाला जो एरिया ना, यहाँ पे आता है आपका लाहौर, ठीक है, क्या आता है ये लाहौर।
उसके बाद अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब के इस हिस्से में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं ए बना देता हूँ अमृतसर। और कलकत्ता जो कि बेसिकली राजधानी है, तो कहाँ पे आता है, यहाँ पे जो आपका ये कलकत्ता है, ठीक है, अमृतसर पंजाब में, कलकत्ता आपका इधर आ जाता है, लाहौर आपका पाकिस्तान में, ठीक ठीक है। यही तीन ऐसे बेसिकली राज्य थे जहाँ पे विभाजन जो था वो सबसे बड़ा त्रासदी वाला रहा था, ठीक है। आगे आ जाइए, अगले मैप की बात करते हैं, तो अगले मैप में जो है वो यहाँ पे है इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि सबसे पहला ये है कि दक्षेस संगठन के किस देश के साथ में भारत का मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि देखो भारत जो है इसका दक्षेस संगठन के किन देशों के साथ में वर्तमान में मुक्त व्यापार समझौता है। तो सबसे पहला तो है भाई नेपाल, सबसे पहला है ये आपका नेपाल, फिर दूसरा यहाँ पे आ जाता है ये आपका आ जाता है बेसिकली भूटान, एक सेकेंड, ये तो भूटान नहीं है, भूटान ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भूटान आ जाता है, और तीसरा है बच्चों श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे देख रहा है छोटा सा द्वीपीय देश, ठीक है। इन तीनों कंट्री के साथ में भारत का जो बेसिकली मुक्त व्यापार समझौता ये हो रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का जो गृह राज्य यानी कि जन्म राज्य वो कहाँ पे है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इलाहाबाद का प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बेसिकली, ठीक है। उसके बाद 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी थी वो कहाँ पे भेजी थी, श्रीलंका में भेजी थी, हालांकि ये जो इन्होंने सेना भेजने का काम किया था ये असफल रही थी, ठीक है। उसके बाद भारत के द्वारा एक नीति चलाई गई है बच्चों, पूरब चलो की नीति, ठीक है, तो पूरब चलो की नीति का जो हिस्सा है वो कौन सी कंट्री है, वो है यहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश, ठीक है। भारत और चीन के बीच में उत्तरी पूर्वी जो विवाद राज्य है वो कौन सा है, तो यहाँ पे दिखेंगे आपको ये दिखेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। और भी एक दो विशेषताएं आपकी आ जाती है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला ये है कि दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है, वो भी नेपाल ही है, वह देश जहाँ 1999 के बाद में सैनिक तख्ता पलट हुआ, तो वो यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है। अब जो आपके दो क्वेश्चन है, हरित क्रांति से लाभान्वित रहा जिसमें बेसिकली आपका एक पंजाब आ जाता है, एक इधर ये हरियाणा आ जाता है, और ये यहाँ पे यूपी आ जाता है, और भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है इसमें आपका ये बेसिकली राजस्थान आ जाता है, ठीक है, और इसमें भी पंजाब आ जाएगा, हरियाणा भी आ जाएगा, तो ये सभी इसमें, वैसे हरित क्रांति और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है मिड टर्म के हिसाब से, लेकिन बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप समझ लेना बेसिकली। तो इस तरीके का आपका ये मैप था इंडिया वाला, जो कि यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हर एक राज्य से जो जो विशेषताएं बन सकती थी इंपॉर्टेंट, वो हर एक विशेषता मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, ठीक है। बाकी अभी भी आपका कोई डाउट, कोई कोई क्वेश्चन होती है तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने लिखी हुई है, आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो आपके सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। बाकी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।